नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आज आपके बीच में लेकर आया हूं मॉडल ऑक्सिलरी का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में प्रयोग किया जाने वाला मॉडल केन। दोस्तों, जैसे ही हम केन का नाम लेते हैं तो आपके जहन में केन आ रही होगी जिसमें हम पानी की केन का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पानी की केन जैसा कुछ होगा। बिल्कुल, तो आप वहां से इसको उठाइएगा और निश्चित रूप से पकड़ कर देखिएगा। आज हम इसको पूरा आत्मसात करने वाले हैं, अच्छे से इसको देखते हैं। आप इस स्लाइड में देखिएगा कि केन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। और वर्तमान काल में सभी कर्ताओं के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। केन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, इस भाव को दर्शाने के लिए हम लोग वर्तमान काल में इसका प्रयोग। आगे देखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी काम को करना होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो होता है वाक्य का करने वाला, यानी कर्ता, यानी आप स्वयं। तो देखिए, सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है। अच्छा, कैन है क्या? तो कैन जो है इसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी का हेल्पिंग वर्ब। ये एक तरह की मॉडल ऑक्सिलरीज है, एक मॉडल वर्ब है, ये एक तरह की सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया की हमेशा सहायता करती है। तो कैन क्या है? एक तरह का मॉडल है, एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, एक तरह की सहायक क्रिया है। तो इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, इसके माध्यम से हम सबसे पहले किसी व्यक्ति की योग्यता यानी एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम इस कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। या आप स्वयं भी ये बात बोलेंगे मेरे साथ, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आगे देखते, अभी तनिषा है जो चार भाषाएं बोल सकती है। तनिषा कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस। तो ये क्या है? तनिषा की योग्यता है। मैंने क्या बोला? मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तनिषा जो है चार भाषाएं बोल सकती है। आगे समझते हैं, देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस है। आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, बट माई सिस्टर कैन, मैं तो नहीं तैर सकता लेकिन मेरी बहन जो है वो ट्रेंड है, वो आराम से तैर सकती है, नदी पार कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की पावर को दिखाने की बात करते हैं, पावर शक्ति को, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, वी कैन क्लीन इंडिया टूगेदर, हम भारत को साथ मिलकर साफ कर सकते हैं। मोदी जी ने जो अभी मिशन दिया था आपको याद होगा सभी को, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में हमने गांधी जयंती को भी अवसर के रूप में देखा और भारत को स्कूल कॉलेजेस घर सब जगह से कचरा हटाया, स्वच्छ किया। तो ये क्या थी? हम सब की पावर थी, 150 करोड़ भारतीयों की पावर थी कि हमने भारत को स्वच्छ कर दिया। सो वी कैन क्लीन इंडिया टुगेदर। आगे देखते हैं, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्षमता। देखिए किस तरह से होता है, देखिए, आई कैन लिफ्ट 40 किलोग्राम्स ऑफ वेट, मैं 40 किलोग्राम वजन उठा सकता हूं, मैं 40 किलोग्राम वजन उठा सकता हूं। हो सकता है आपकी क्षमता हो आप 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो, किसी की क्षमता हो वो 20 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो ये जो है हम दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, परमिशन देने के लिए, आज्ञा। देखिए कैसे, राजेश ने पूछा कैन आई कम इन, आपने कहा यस कम इन। लेकिन जब किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, प्रिंसिपल के, डायरेक्टर के, डीन के, किसी भी बड़े ऑफिस में, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग मत कीजिएगा। आप अपने भाई बहन में, अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े से सम्मानजनक व्यक्ति से मिलते हैं तब आप वहां पर कैन का प्रयोग मत कीजिएगा। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, इसको हम कहेंगे सैद्धांतिक संभावनाएं। सैद्धांतिक संभावनाएं किस तरह की होती है, आगे देखते। जैसे हमने कहा, शी कैन जंप फ्रॉम दैट बिल्डिंग, वो जो है वो उस बिल्डिंग से जंप कर सकती है।
तो सिद्धांतिक में कैसा है कि उसको कूदना नहीं है, लेकिन वी कैन राइट ऑन द पेपर, हम लिख सकते हैं। वो 20 माले से कूद सकती है, 10 माले से कूद सकती है, 2 माले से कूद सकती है, वो हवाई जहाज से कूद सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज खड़ा होना चाहिए और नीचे गद्दे लगे होना चाहिए, तो आराम से कूद सकती है, राइट? आगे बढ़ते हैं। साइंस की कैन गो आउट ऑफ यूनिवर्स, विज्ञान जो है ब्रह्मांड से बाहर जा सकता है। हम अभी देख रहे हैं, यहां से हमने चांद पर भेजे हैं हमारे उपग्रह, और भी अलग 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 जगह हम मंगल ये वो लोग खोज में लगे हैं, सारे वैज्ञानिक जो है पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की ओर यात्रा कर पा रहे हैं। तो ये सब केवल और केवल विज्ञान की वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी को ऑफर देने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे ऑफर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। Can you teach them English? क्या तुम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा सकते हो? क्या तुम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा सकते हो? इसके लिए भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। Can I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इस बात को दर्शाने के लिए भी हम can का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। Can I carry that bag for you? देखिए कोई व्यक्ति है, कोई महिला है और उसका वजन है, बैग है, हाथ में एक बच्चा भी है, और आपको लगा कि नहीं नहीं उसकी मदद करना चाहिए, तो आपने पूछा कि क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, मतलब आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेके भागना नहीं है, लेकिन आपको कहना है कि भैया कैन आई कैरी दैट बैग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए बैग उठा लूं, तो ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। सजेशन देने के लिए भी आप स्कैन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस तरह के सजेशन दे सकते हैं। यू कैन गो टू इंदौर फॉर स्टडीज। अब जो है कोई विद्यार्थी आपसे पूछने आया कि भैया मैं आगे पढ़ना चाहता हूं तो क्या मैं क्या करूं, तो आपने उसको सुझाव दिया कि यू कैन गो टू इंदौर फॉर स्टडीज, स्टडीज के लिए आप जो है इंदौर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। कैन यू हैव लंच विद मी, क्या आप मेरे साथ दोपहर का खाना खा सकते हैं, तो आप जो है रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैन आई गो टू होम नाउ, क्या मैं अभी घर जा सकता हूं, तो क्वेश्चन करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और आप उसका आंसर देने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, आप जब चाहे तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। मुस्कान कैन रीड संस्कृत, संस्कृत मुस्कान जो है वो संस्कृत पढ़ सकती है, ये उसकी क्या है एबिलिटी है, उसकी खासियत है। आई कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वेरी इजीली, मैं मैथमेटिक्स के गणित के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता हूं। कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट, क्या 50 किलो वजन उठा सकते हैं, ऑफकोर्स उठा सकते हैं। कैन यू राइड द बाइसिकल, क्या वो साइकिल चला सकता है, हाँ वो साइकिल चला सकता है। आई कैन नॉट लिफ्ट योर बैग, मैं आपका थैला या बैग नहीं उठा सकता। राम कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, राम इस नदी को तैर कर पार कर सकता है, राम इस नदी को तैर कर पार कर सकता है। सीमा कैन विन द रेस, सीमा जो है वो दौड़ में भाग ले रही है, वो दौड़ जीत सकती है, तो इसको भी दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। The owner can sell the car, मालिक जो है वो कार को बेच सकता है क्योंकि वो उसके अधिकार में है। My brother can defeat your brother, मेरा भाई जो है वो आपके भाई को हरा सकता है। My brother can defeat your brother. The manager can pay your salary, जो मैनेजर है वो आपकी सैलरी का भुगतान कर सकते हैं। I can help you now, अब मैं आपकी मदद कर सकता हूं। You can use this computer now. अब आप इस कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। You cannot smoke in the bank or hospital. आप जो है बैंक और हॉस्पिटल में धूम्रपान नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सिगरेट या बीड़ी पीना लग जाते हैं, तो ये भी आप वहां पर बोलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। You can ride my horse. आप मेरे घोड़े की सवारी कर सकते हैं। You can go now from here. अब आप यहां से जा सकते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम ऑन दिस रोड, इस सड़क पर कभी भी हादसा हो सकता है, सड़क इतनी खराब है। एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। आई कैन नॉट बी ट्रू, यस इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता।
यह सच नहीं हो सकता। द वाइल्ड एनिमल कैन हार्म यू, जंगली जानवर जो है आप जंगल में जा रहे हो, और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जंगली जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यू कैन गो टू ग्वालियर, आप ग्वालियर जा सकते हैं। आई कैन गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूं। तो इस तरह से जो है इस कैन को आपने समझा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाइए। इसके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। निश्चित रूप से देखिएगा कि आप अपनी तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और निश्चित है कि आप अपनी उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे, और ईश्वर आपको सफल करे। हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।